हेलो, नमस्कार दोस्तों। 26 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल से वो डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल हुआ है इंडिया और मालदीप के बारे में, तो इंडिया और मालदीप के रिलेशन के बारे में आर्टिकल को हम यहाँ पे देख लेते हैं। मालदीप में जो इमरजेंसी लगी हुई थी उसको अभी हटा दिया गया, तो उसी कंटेक्स्ट में आर्टिकल आया है। आर्टिकल में मैंने इस चीज़ पर फोकस किया गया है कि भाई अब इंडिया को रिलेशन है वो लगातार इम्प्रूव करने के लिए स्टेप उठाने चाहिए, और वहाँ पे जो डेमोक्रेसी खतरे में आ गई थी उसके लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया या स्टेप है वो उठाने चाहिए। तो ये सारा कंटेक्स्ट है। अब हम देखते हैं आर्टिकल का मेन पॉइंट की तरफ। देखो, सबसे पहले तो मालदीप की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसा कि इंडियन ओशन में मालदीप की लोकेशन है वो हमें पता है इसके बारे में। इसके साथ ही आपको पता है कि आजकल इंडिया के जो पड़ोसी देश है ना इंडियन ओशन में, उनमें काफ़ी अस्थिरता आ रही है। क्यों ना आप देख सकते हो कि म्यांमार है, म्यांमार था हमारा पड़ोसी तक है, उसमें भी अस्थिरता आ रही है। देखा जाए तो श्रीलंका में भी अस्थिरता आ रही है, और देखा जाए तो हमारे मालदीप में, मतलब हमारे जो देखा जाए तो इंडियन ओशन वाले एरिया में भी सारे जो पड़ोसी हैं वहाँ पे थोड़ा माहौल वो अच्छा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और उन देशों की डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर उन हमारे पड़ोसी देशों में अगर कोई भी डेमोक्रेसी पे कुछ भी इश्यूज आता है तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे देश की डेमोक्रेसी को भी इफेक्ट करता है, और हमारे देश में भी कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाता है। हमारे देश में भी रिफ्यूजीज वगैरह की प्रॉब्लम है वो होती है। तो अब बात यह कि देखो वहाँ पे इमरजेंसी वो हटा दी गई है। लगभग 45 दिन वहाँ पे इमरजेंसी लगी रही थी, उसके बाद जब इमरजेंसी हटी है तो उसी के बाद इस आर्टिकल में बताया गया है कि अब देखो आगे क्या क्या स्टेप हैं वो उठाने हैं। देखो, सबसे पहले एक दो चीज़ हम जान लेते हैं कि जो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नासिद, मोहम्मद नासिद, उन्होंने एक्चुअली इंडिया से रिक्वेस्ट की थी भाई इंडिया वहाँ पे मिलिट्री का हस्तक्षेप करे और वहाँ पे आप जो समस्या है उससे निराकरण दिलाई। बट वहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट है वो है यामीन। तो आपको पता है कि वहाँ के करंट प्रेसिडेंट ने सीन क्या किया था। वहाँ के जो भी करंट, मतलब रिसेंटली जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वहाँ की जो भी जन पॉलिटिशियन जो कैदी थे उनको एक्चुअली जेल से रिहा करने के लिए मना कर दिया था कि नहीं भाई उनको जेल से रिहा मत करो, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था। तो उस वाले बात के सार माहौल है वो गड़बड़ा गया था। तो कंटेक्स्ट देखो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, बट अब हम चलते हैं मेन हमारे पॉइंट की तरफ कि जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे लिए स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, बात यह कि अब वहाँ पे जो भी हो गया ठीक है, बट अब रिसेंटली वहाँ पे इमरजेंसी खत्म हो गया, तो एक तो वहाँ पे वापस डेमोक्रेसी है उसको वापस स्थापित करना है, और इसी के साथ अभी देखा जाए तो इंडिया के जो टाइज है रिलेशन है वो भी मालदीव के साथ काफ़ी ख़राब हो गए थे इमरजेंसी के टाइम पे। तो उन सबको भी सुधारना चाहिए। उन सबको सुधारने के लिए भी इंडिया को बहुत सारे स्टेप उठाने हैं। इसके साथ ही बात यह की जाती है कि चाइना का फैक्टर, कि देखो भाई चाइना है वो आजकल इंडियन ओशियन में बहुत टांग अड़ाता जा रहा है। इवन देखा जाए तो इंडियन जो ओशियन है इसमें पड़ोसी देशों में लगातार चाइना अपना दबदबा वो बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अभी देखा जाए तो मालदीव में भी सिर्फ चाइना ने कोशिश की भाई वो एक तरीके से मध्यस्थता का रोल निभाएगा, जो वहाँ के करंट प्रेसिडेंट है वो और जो वहाँ के पूर्व जो प्रेसिडेंट है उन दोनों के बीच में, ताकि वहाँ पे शांति स्थापित की जा सके। मतलब क्या है कि चाइना अब एक तरीके से अपने आप को यूएसए की तरह ग्लोबल लीडर की तरह साबित करना चाहता है कि भाई वो एक ग्लोबल लीडर है, वो कोई भी कंट्री में कुछ भी इश्यूज होता है तो उसको आपस में सोल्व वगैरह करने में हेल्प है वो करता है। तो इसलिए वो लगातार अपना हस्तक्षेप वो बढ़ा रहा है, जबकि ये बात इंडिया के लिए कहीं भी अच्छी नहीं है। क्योंकि देखो यही रोल पहले आपको पता है कि इंडिया की बात आता है इस इंडियन ओशन में, तो अगर अब इंडिया की जगह दूसरी कंट्री लगा तो ऑब्वियसली इंडिया को अच्छा नहीं लगेगा, और इंडिया के डायरेक्टली इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं इस वाले क्षेत्र से। तो इसलिए इंडिया को भी कुछ ना कुछ स्टेप वो उठाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया को हाथ पे हाथ धर के बैठा रहना है। इसके बाद में देखो बात ऐसी है कि कुछ राइट लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि भाई इंडिया को जो आर्मी इंटरवेंशन या आर्मी का जो हस्तक्षेप वो करना चाहिए था। देखो, जो आर्मी का इंटरवेंशन है वो इतना आसान नहीं होता है। आर्मी का इंटरवेंशन काफ़ी मुश्किल होता है और उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। रही बात 1988 की, 1988 में जब आर्मी ने जब इंटरवेंशन किया था मालदीव में, तो उस टाइम पर वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने एक्चुअली रिक्वेस्ट की थी इंडिया पे, बट इस बार वहाँ की वो भी सरकार ने रिक्वेस्ट की ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इंडिया फालतू में इस तरीके से इंटरवेंशन वो करे, क्योंकि इंटरवेंशन के काफ़ी नुकसान होते हैं। जो 1988 में जब इंटरवेंशन की गई थी, हस्तक्षेप किया गया था उस टाइम पे, वहाँ की जनता थी ना मालदीव की, वो एक्चुअली कुछ लोग इंडिया के खिलाफ हो गए थे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है, हमारे देश के भी इंटरेस्ट वो जुड़े हुए रहते हैं। तो लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया को भी अपने पड़ोसी देश होने के नाते वहाँ की डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए कुछ नए स्टेप उठाने चाहिए, और वहाँ पर नई भी जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह है वो सारी वहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि भाई देखो जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसने अपना नया डाटा यूरोपियन यूनियन ने अपना नया डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वो बनाया है। तो राइटर कह रहे हैं कि भाई इंडिया को भी उसी लेवल पे कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ तुगाड़ा वो करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी आजकल डाटा प्रोटेक्शन का काफ़ी बड़ा इशू है वो हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं। देखा जाए तो अभी रिसेंटली डाटा प्रोटेक्शन के केस पे केस आ रहे हैं।
सबसे पहले भी काफ़ी सारे केस थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट भी दिया था कि राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है। इसके बाद में भी फेसबुक का इश्यू आया, तो मतलब इससे पहले भी आधार का इश्यू भी आता रहता है, तो मतलब केस के ऊपर केस आते रहते हैं, तो इसलिए डाटा प्रोटेक्शन अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। देखो बात ऐसी है कि कुछ कंपनियां वगैरह क्या करती हैं, इवन कुछ कंपनी नहीं मैक्सिमम कंपनियां ऐसे ही करती हैं कि कस्टमर का डाटा है वो ले लेती हैं, उसके बाद उस डाटा को कस्टमर के बिना अनुमति के किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं डाटा प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। और इसी चीज़ को लेकर राइटर है वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया को भी डाटा प्रोटेक्शन के लिए लॉ वगैरह बनाना चाहिए। अब बात यहाँ पे की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना नया न्यू डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने की बात की है ना, इंडिया को भी ऐसा कुछ ही बनाना है। यहाँ पे एक थोड़ा सा डाटा ये दिया गया है कि देखो इंटरनेट का अगर यूज़ देखते हैं हम ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो चाइना में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ होता है, नंबर वन पे चाइना है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया, और थर्ड नंबर पे आता है इंटरनेट के यूज़ में यूएसए। मतलब क्या है कि भाई इंडिया में भी बहुत लार्ज लेवल पर इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए डाटा प्रोटेक्शन काफ़ी अहम हो जाता है। देखो हम जब भी कोई, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी आप मतलब किसी कॉलेज वगैरह से आप पास आउट करते हो, तो उस टाइम पे आपके पास एक आप अपनी कॉलेज में इंफॉर्मेशन आपकी सबमिट रहती है, बट वहीं कुछ टाइम बाद आपके पास मैसेज वगैरह, फ़ोन वगैरह, मेल वगैरह आना शुरू हो जाते हैं कि आप MBA कर लीजिए, आप यहाँ पे MS कर लीजिए, आप फॉरेन चले जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो डाटा कहाँ से जाता है उन ऑफिसों के पास? वो डाटा एक्चुअली आपके कॉलेजों के द्वारा वहाँ से भेज दिया जाता है। ये तो मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल बताया। सेम इसी तरीके से इंटरनेट पर भी ये होता है कि आपने जैसे फेसबुक पर कोई डाटा दिया, तो फेसबुक क्या करता है कि उस डाटा को किसी थर्ड पार्टी को भेज देता है उस डाटा की जरूरत है, और फिर उस डाटा का यूज है वो हमारे लिए किया जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें हमारी रिक्वेस्ट की और हमारी परमिशन के बिना वो डाटा यूज किया जा रहा है, इसलिए वो डाटा प्रोटेक्शन का उल्लंघन में इंक्लूड हो जाता है। तो इसी बात पे राइटर कह रहे हैं कि इंडिया को क्लियर लॉ वगैरह वो बनाना चाहिए, क्योंकि खतरा है वो आज के टाइम पर बढ़ता जा रहा है। देखो आज के टाइम पर आपको बता दूं कि इंडिया में जो एक्ट है ना, जो 2000 के टाइम का IT एक्ट है वो यूज़ किया जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि 2000 के टाइम पे इंडिया में IT सेक्टर कुछ इतना आगे था ही नहीं। उस टाइम पे तो लोग इंटरनेट के बारे में कुछ इतना जानते नहीं थे, तो उस टाइम का जो एक्ट है वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि देखते हो आप खुद जानते हो कि 2000 के बाद में तो एक्चुअली से इंटरनेट का सेक्टर, उसमें काफ़ी बड़ी क्रांति आ गई है, और आज देखा इवन आज से 5 साल पीछे देखो तो ही बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो 2000 का जो एक्ट है हमारे देश में IT एक्ट है, वो क्यों आज के टाइम पे एक्चुअली रिलेवेंट हो पाएगा? भाई आज के टाइम तो हमारे मांड ही लग गए हैं, उस टाइम पे तो कम से कम लाख लोगों पे एक आदमी इंटरनेट यूज नहीं करता था, और आज के टाइम पे तो हर घर में इंटरनेट है, वो हर पर्सन यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के अकॉर्डिंग या आज की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें नया IT एक्ट वो बनाना होगा, तब भी हम इस पर कुछ लगाम वगैरह लगा सकते हैं। अब देखो बात यह है कि जो यूरोपियन यूनियन ने कुछ अपना एक्ट बनाया ना, वो क्या है? यूरोपियन यूनियन ने जो अपना नया एक्ट बनाया है डाटा प्रोटेक्शन के लिए, उसका नाम है जनरल डाटा प्रोटेक्शन प्रोग्राम, GDPR। ये जनरल डाटा प्रोग्राम इसमें कुछ सारी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई किस तरह से डाटा को रेगुलेट करना है, क्या क्या सारे स्टेप हो रहे हैं। इसमें देखो कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं कि किस तरीके से डाटा को हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं हो कि हम डाटा यूज़ करने के चक्कर में किसी जो कस्टमर है उसका जो राइट्स है उनका उल्लंघन कर देते हैं। इसके साथ ही बात यह है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो कई बार क्या है कि पर्सनल डाटा का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी इंटरनेट वगैरह, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वो अपने पर्सनल डाटा का यूज़ है वो वही नहीं कर पाए। इसके बाद में बात आती है कि डाटा है वो एक तरीके से, एक बात की जाती थी पहले कि भाई जो इंटरनेट का जो भी डाटा होता है ना कस्टमर का, वो एक तरीके से ऑयल की तरह काम करेगा। बट राइटर का ये कहना है कि देखो आज के टाइम पे इंटरनेट जो कस्टमर का डाटा है ना, वो ऑयल की बजाय आजकल हवा की तरह काम कर रहा है। मतलब हवा सब जगह, उसी तरीके से जो डाटा है वो सभी लोगों के पास आज के टाइम पे पहुंच गए, और आज के टाइम पे इंटरनेट वगैरह सब चीज़ें हैं वो एक कस्टमर का या सभी लोगों की लाइफ का एक अहम हिस्सा हो गई है। तो इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये टाइम है, और हमें कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन बनाने होंगे। अब बात की जाती है यहाँ पे GDPR की, कि जनरल जो डाटा प्रोग्राम है इसके बारे में, एक आधा रेगुलेशन के बारे में कि भाई देखो इसका जो प्रीएम्बल है ना, मतलब इसके जो स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये बात क्लियर हो गई है कि इससे बहुत कुछ फायदा होने वाला है, और कस्टमर के जो इंटरेस्ट हैं उनको यहाँ पे सर्व हो किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें GDPR में ये कहा गया है कि भाई जो इंडस्ट्री और जो भी स्टेट है ना, उसके ऊपर लिमिट लगाई गई है कि आप कस्टमर का डाटा उसकी मनमर्जी के, अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगर कस्टमर का डाटा किसी थर्ड पार्टी को बेचना भी है, तो आपको पहले कस्टमर से अनुमति लेनी होगी, कस्टमर को बताना होगा कि किसके लिए आप डाटा बेचना चाहते हो, क्या अगली पार्टी को भी बताना होगा कि भाई वो क्यों डाटा का यूज़ हो करना चाहती है। मतलब सब कुछ क्लियर रहेगा, कस्टमर जब अनुमति देगा कि हाँ भाई मेरा डाटा भेज दिया जाए, तभी उस डाटा को आप भेज सकते हो, यहाँ पे बात की जाती है। इसके साथ बाद में बात ये थी कि राइट टू प्राइवेसी उसका क्या होगा, क्योंकि देखो हमारे देश में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी की बात की थी फंडामेंटल राइट के लिए। चलो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा केस था वो जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि राइट टू प्राइवेसी कौन से केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट है वो घोषित किया था।
अब आगे देखते हैं। आगे इसमें ये बताया गया है कि देखो जो भी रूल वगैरह है, जो भी रेगुलेशन बनाने हैं, उनको एकदम हमें क्लियर रखने हैं, क्योंकि जो GDPR बनाया गया है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो बनाया गया है, इसमें सारे रूल हों एकदम क्लियर किए गए हैं। तो उसी तर्ज पे इंडिया को भी सारे रूल हों एकदम क्लियर बनाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि रूल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट भी करना होगा। देखो रूल तो आपको पता है इंडिया में हर चीज़ के लिए बनते हैं, बट उनको व्यवहारिक रूप पे लागू नहीं किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। तो जो रूल आप बना रहे हो उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आप उन रूल को प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करो, उसमें कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश का रेगुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी इस चीज़ का हमें प्रॉपर फायदा कस्टमर को वो हो पाएगा। ये था कंप्लीट आर्टिकल, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुअली है फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। तो देख लेते हैं इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस आर्टिकल में क्या पॉइंट्स हैं। देखो कंटेक्स्ट ये है कि आपको पता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक वो डिसीजन आया था कि भाई जो भी और एमपी है, एमपी और एमएलए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, उनके लिए एक्चुअली फास्ट ट्रैक या जो स्पेशल कोर्ट है वो बनाए जाए, ताकि उनके केसेस को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। क्योंकि हमारे देश में राइट टू जो पीपल टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951, उसमें ये प्रावधान है कि किसी भी एमपी या एमएलए जो भी पॉलिटिशियन है, अगर उसके ऊपर कोई भी केस जारी हो रहा है, कोई भी केस लगा हुआ है क्रिमिनल केस, तो उस कंडीशन में वो इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता, मतलब वह डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो उन सबको क्लियर करने के लिए स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है, वो सुप्रीम कोर्ट ने रखा था कि भाई आप स्पेशल कोर्ट और फास्ट ट्रैक वगैरह बनाइए। अब देखो हम एक चीज़ यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि भाई स्पेशल कोर्ट होती क्या है, इसके साथ ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि फास्ट ट्रैक क्या होती है, हम दोनों में डिफरेंस क्या है, तभी हम चीज़ को आगे समझ पाएंगे। देखो स्पेशल कोर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी लॉ है ना, जो भी कानून है, उनके द्वारा इनको बनाया जाता है। इसके साथ ही ये सिंपल जो प्रक्रिया है ना उसको फॉलो करते हैं, मतलब कोई भी जो सिंपल प्रक्रिया उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आप जो रूल रेगुलेशन है उनको इतने ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, ये सीधा जो डायरेक्ट मेथड है उस चीज़ को फॉलो करते हुए चलते हैं। और इनको मेनली किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है कि भाई कोई आपको खास काम करना है, स्पेशल काम करना है, उसके लिए आपको स्पेशल कोर्ट बनानी होती है। और वहीं देखा जाए तो फास्ट ट्रैक का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी कोर्ट है ना उसके ऊपर जो बोझ काफ़ी ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी होती है, ताकि जो भी हमारे देश में जुडिशरी पे बोझ है उसको कम किया जा सके। मतलब जुडिशरी देखो आप जैसे आपको पता है कि हमारे देश में जुडिशरी पे काफ़ी सारे केस पेंडिंग है, तो उस कंडीशन में मतलब बात यह है कि जुडिशरी पे बहुत सारे केस पेंडिंग है, तो उसके काफ़ी ऊपर प्रेशर है, दबाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं उसके पास। तो इसलिए अगर फास्ट ट्रैक बना दिए जाएंगे, कोर्ट बना दिए जाएंगे, तो एक चीज़ कोर्ट की एक फॉर्म है, बस उसमें होगा कि जुडिशरी का जो बोझ है उसको कम करने के लिए वो काम हो करेंगे, जबकि स्पेशल कोर्ट है वो किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाएंगे। जैसे कि जो एमपी और एमएलए के केसेस को खत्म करने के लिए क्या बनाए जा रहे हैं, स्पेशल कोर्ट। तो मतलब वो एमपी और एमएलए के जो केसेस हैं केवल उन्हीं को वो उनको वो क्लियर करेंगे, तो वो हो गए स्पेशल कोर्ट। तो मतलब किसी पर्टिकुलर मोटो के लिए बनाए जाएंगे वो जाएंगे स्पेशल कोर्ट, और बाकी जो होंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के या जो भी हाई कोर्ट के केसेस उनको खत्म करना है, भाई काफी सारे केसेस चल रहे हैं, तो वो जाएंगे फास्ट कोर्ट। अब चलते हैं आगे। आगे देखो बात ऐसी है कि राइटर के द्वारा एक कहा जा रहा है कि भाई आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया कि भैया फास्ट ट्रैक के द्वारा या स्पेशल कोर्ट के द्वारा उनको खत्म कीजिए केसेस को, बट आज के टाइम पे सीन ऐसा होगा कि हमारे देश में कुछ तो कई बार पता ही नहीं होता कि स्पेशल कोर्ट कौन से और फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन से, लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। इसके बाद में बात की जाती है कि इंडिया का जो न्यायपालिका है, इंडिया की जुडिशरी है, उसके बारे में कि इंडिया में जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है वो यूज किया जाता है, जबकि यूएसए में है वो फेडरल जुडिशरी सिस्टम यूज किया जाता है। मतलब देखो इंडिया में सीन क्या है, अगर आप जिला कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ से आपको डिसीजन अच्छा नहीं मिला, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट के बाद आप क्या जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो मतलब हमारे पास लास्ट जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की। मतलब अगर स्टेट के बीच में भी स्टेट के डिसीजन से कुछ नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बट यूएस में सीन ऐसा होता है, वहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है। मतलब वहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे 50 स्टेट हैं, तो सभी 50 स्टेट की अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे। मतलब एक स्टेट का जैसे आपने केस दिया और उस केस में अगर वहाँ की सुप्रीम स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप दूसरे वहाँ पे कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे स्टेट है उन्हीं के पास सारी सुप्रीम पावर होती है। और जो जैसे कि इंडिया में हाई कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो हाई कोर्ट होती है स्टेट की, वही सुप्रीम कोर्ट होती है, उसी का डिसीजन सर्वेसरा होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दूसरे स्टेट की कोर्ट है वो उसका डिसीजन वगैरह दे सकती है, क्योंकि यूएसए के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनके सभी अपने अपने संविधान वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये सारे डिफरेंस है बेसिक जो हमने यहाँ पे देख लिया, ये मेनली प्रीलिम्स में भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है मेनली। अब देखो राइटर ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि भाई एमपी और एमएलए के जो केसेस हैं उनके लिए आप स्पेशल कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह बनाओ, तो राइटर का कहना है कि देखो स्पेशल कोर्ट बनाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट से कोई समाधान नहीं होने वाला है, हमें हमारे जो सिस्टम है ना उसमें चेंजेस करने होंगे, हमारा जो भी कमी है हमारे सिस्टम में उन सारी चीज़ों को हमें क्लियर रखना होगा, तभी हम जुडिशरी पे जो केसेज हैं उनकी संख्या कम कर सकते हैं। ऐसे तो देखो हर साल एक के बाद एक केस वो फाइल होते रहेंगे और सोल्यूशन नहीं आएगा, तो हमें हमारे जो रूल रेगुलेशन और जो इंप्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि केस हैं वो कम फाइल हों। मतलब केस कम क्यों फाइल हों, ताकि लॉजिकल केस हैं वो भी फाइल हो सकें और जो बाकी अनाप शनाप का जो फालतू का कचरा है उसके ऊपर लगाम लगाया जा सके। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया।
अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुअली फॉरेस्ट फायर के बारे में, कंटेक्स्ट है वो है तमिलनाडु की थेनी डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु की जो थेनी डिस्ट्रिक्ट है ये मेनली केरला के बॉर्डर पे ही है थेनी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे बोधी हिल्स थी, सिर्फ बोधी हिल्स थी, और यहाँ पे एक्चुअली है वो आग लग गई थी और लगभग 20 के आसपास लोगों की जाने वो चली गई थी। कंटेक्स्ट है वो सारा, इसके बारे में हमने प्रीलिम्स में वीडियो भी डिस्कस किया था कि बोधी हिल्स कहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकती है। अब बात ऐसी है कि देखो फॉरेस्ट में फायर लगते हैं तो सबसे बड़ा इशू क्या होता है, एक तो होते हैं इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती है गवर्नमेंट के पास या जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसके पास कि भाई हमें किस तरीके से काम, एक तो आग का पता नहीं चलता है पहले, और जब आग का पता भी चल जाता है कि वहाँ पे आग लग रही है तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि अब हमें काम किस तरीके से करना है। तो मतलब इसके लिए क्या सिस्टम यूज करते हैं जो इंडिया में अभी यूज किए जा रहे हैं, पहले तो उनको डिस्कस किया गया है। जैसे इंडिया में यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSIA, उसके डाटा को यूज किया जाता है। इसके साथ ही जो US के दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो सिस्टम है उनको भी इंडिया में यूज किया जाता है, जैसे MODIS। MODIS क्या है, वो है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है जो कि नासा का है। इसके साथ ही VVRS को यूज किया जाता है, VIIRS को, वायरस वायरस को, ये क्या है, ये है विजुअल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर शूट। तो इन कॉन्सेप्ट को यूज करता है जो कि एक सैटेलाइट का टाइप है। इसमें क्या होता है कि ऊपर से इमेज वगैरह लेके देखा जाता है कि भाई वहाँ पे आग वगैरह का, मतलब एक्चुअली से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि यहाँ पे आग वगैरह लग रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप वगैरह उठाने की स्टेप है वो सारे उठाए जाते हैं। अब स्टेप क्या क्या उठाए जाते हैं आग लगने पे, देखो सबसे पहले मेनली चार स्टेप होते हैं। एक तो होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना, मतलब जैसे कि कहीं भी आग वगैरह लग गई तो आप हेलीकॉप्टर वगैरह या फिर जो बड़े प्लेन वगैरह हैं उनकी वजह से वहाँ पर पानी वगैरह गिरा दो, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी केमिकल वगैरह ऐसे इस तरह का केमिकल का छिड़काव को ताकि आग के ऊपर लगाम लगाई जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं काफ़ी महंगे, क्योंकि ये तो होते हैं डेवलप कंट्री में यूज किए जाते हैं और वहाँ पर उनके पास खर्चा, उनके पास पैसे खूब होते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए रिलेवेंट नहीं होते क्योंकि इनमें बहुत सारा खर्चा वगैरह हो जाता है। इसके बाद में बात आती है, दूसरा आता है नेचुरल बैरियर को। नेचुरल बैरियर में ये क्या जाता है कि जैसे आपको पता है कि जंगल के अंदर आपको रिवर वगैरह भी होती है, रोड वगैरह, प्लेन वगैरह, तो ये क्या करती हैं, जंगल के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से डिवाइड करती है, तो उस मेथड से भी आग के ऊपर लगाम है वो लगाई जा सकती है। तीसरा मेथड होता है वो होता है काउंटर फायर। काउंटर फायर में क्या होता है, जैसे कि ये आप एक ये मान लो कि ये जंगल है और इसमें इस वाले एरिया में आग है वो लगी है, इस वाले एरिया में आग लगी तो क्या करेंगे, अब हो सकता है कि जंगल के इधर वाले जो और गांव हैं उनमें भी आग लग सके, तो क्या करेंगे, इधर वाले जो एरिया ना इस वाला जंगल का जो कॉर्नर वाला इस वाले एरिया में आग लगा देंगे और इसको आग को इधर प्रमोट करेंगे ताकि दोनों आपस की आग टकरा के इस वाले एरिया में आग खत्म हो जाए और आग इधर ना बढ़ सके। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या जाता है उसको बोलते हैं काउंटर फायर, मतलब काउंटर एक तरीके से एक्शन ली जाती है उसको बोलते हैं काउंटर फायर। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ग्रीन लीव्स का यूज करके, जो वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हैं उनको पीट पीट कर उनके द्वारा आग वगैरह को बुझाया जाए, उस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि देखो झाड़ियों की जो पत्तियाँ वगैरह होती है ना वो काफ़ी एक्चुअली ड्राई टाइप की होती है और वो काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, तो इसलिए उनकी पत्तियों को अगर झाड़ दिया जाएगा तो आग आसानी से नहीं लगेगी, तो वो उस कॉन्सेप्ट को भी यूज किया जाता है। तो ये मेनली चार मेथड हैं जो कि इंडिया में या मतलब आग को बुझाने के लिए काम हो किए जाते हैं। इसके बाद में राइटर को सुझाव दे रहे हैं, सुझाव में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो बात तो एक तो ऐसी है कि जो कॉन्सेप्ट जो या जो मेथड इंडिया में यूज किया जा रहा है ना वो इंडिया को अपने अकॉर्डिंग देखने होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया किसी दूसरी कंट्री के एक मेथड को फॉलो कर सकता है, क्योंकि देखो इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो इंडियन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, बाहर की कंट्रीज में फॉरेस्ट है वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो कि USA में जो फॉरेस्ट है वो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है और इंडिया के फॉरेस्ट है वो इंडिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है वो रहता है, इसलिए हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन सबको हमें ध्यान में रख के हमें सोल्यूशन है वो यूज़ करना होगा, ना कि हमें कॉपी पेस्ट वाला मेथड अपनाना है। इसके बाद में बात आती है कि जो लोकल एरिया की जो ट्राइब या लोकल जो कम्युनिटी लोग होते हैं वहाँ पे उनकी हमें हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि देखो जो लोकल कम्युनिटी होती है ना उसको उस वाले एरिया फॉरेस्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहती है, कि वो वहाँ पे जन्म से या काफ़ी टाइम पहले से रह रहे होते हैं ऑब्वियसली, कि वहाँ पे दादा परदादा मतलब उनकी एरिया रहता हो तो उनको बहुत सा उस एरिया के बारे में नॉलेज होता है। तो गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि जो फॉरेस्ट होते हैं ना उसमें एक्चुअली वहाँ के लोकल जो ट्राइब होते हैं ना उन्हीं को जॉब वगैरह देनी चाहिए, मेनली उनको प्रेफर करना चाहिए ताकि वो वहाँ के एरिया के बारे में काफ़ी अवेयर होते हैं, तो इसलिए अगर फ्यूचर में कुछ भी वहाँ पे आग वगैरह लगती है तो वो तुरंत उसके लिए सॉल्यूशंस वगैरह उठा सकते हैं, और इससे लोकल एरिया का डेवलपमेंट है वो भी होगा और जो ट्राइबल एरिया है उसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उनकी आजीविका को भी फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में जो कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद में लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल है, उसमें एक्चुअली व्हाइट रैनो के बारे में बताया गया है कि देखो सूडान के अंदर व्हाइट रैनो था, उसका लास्ट जो एकमात्र मेल जो रैनो था वो एक्चुअली अब खत्म हो गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि देखो 1960 टाइम पे 1960 का दशक था, उस टाइम पे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 2000 के आसपास व्हाइट रैनो थे, ये मेनली अफ्रीका में पाए जाते हैं व्हाइट रैनो, और अब था लास्ट जो देखा जाए तो 1984 में इनकी संख्या थी वो बच गई थी 15 के आसपास, तो मतलब इनका एक तरीके से उनको खत्म काफी जल्दी से किया जा रहा था, इनका एक्चुअली जो सींग वगैरह है उनके लिए इनका शिकार वगैरह किया जा रहा था, और अब एकमात्र राइनो बचा था व्हाइट राइनो जो कि सूडान में था और वो एक्चुअली
खत्म हो गया है, तो इसलिए राइटर ये कह रहे हैं कि अफ्रीका के अंदर जो और भी स्पीसीज हैं उनकी एक्चुअली समस्या काफी गंभीर होती जा रही है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी वो भी खतरे में पड़ रही है और एनिमल्स वगैरह को वहां पर प्रोटेक्ट वगैरह करना होगा। तो वो सारे पॉइंट इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं, मेनली एक दो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया कि वाइट रेनो कहाँ क्या मिलता है, ये यूपीएससी आपको पूछ सकती है। वैसे आपको ध्यान रखना है, एक बार लोकेशन हम देख लेते हैं, ये है सूडान की, ये आप सूडान की आपको लोकेशन है वो यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये है सूडान, ये है साउथ सूडान। सूडान को फिर डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में, तो ये साउथ सूडान बन गया था। ये ध्यान रखना कि साउथ सूडान है वो लैंड लॉक कंट्री है, ये सूडान है जो ऊपर वाला, ये सूडान लैंड लॉक कंट्री है वो नहीं है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही यहाँ पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है, यहाँ पे चड कंट्री है, सुबह भी हमने थोड़ा मैप यहाँ पे देखा था। इसके साथ ही यहाँ पे कांगो कंट्री है जो कि डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ये भी हमें यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे तंजानिया है जो कि लैंड लॉक कंट्री नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर टच हो रहा है इसका। इसके साथ केन्या है, यहाँ पे ये इथोपिया है, इथोपिया आपको पता होना चाहिए क्यों है, इथोपिया में एक्चुअली जो अफ्रीकन यूनियन है वहाँ का जो हेड ऑफ एक तरीके से जो मतलब हेड ऑफिस है वो हाँ हेडक्वार्टर है इथोपिया में। यहाँ पे सोमालिया जहाँ पे पायरेट्स का खतरा था, और ये छोटी सी जो कंट्री है यहाँ पे जिबूटी जो कि यहाँ पे चाइना ने अपना नेवल बेस है वो बनाया था, ये यहाँ पे मेनली जो स्वेज कैनाल वाला रूट हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमने एक बार थोड़ा मैप भी डिस्कस कर लिया। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।